ओपीएस पर सीएम सुक्कू का सदन में बड़ा बयान, नेता प्रतिपक्ष के झूठ का किया पर्दाफाश, सरकार का नहीं है पेंशन को कम करने का कोई भी इरादा। ओपीएस को लेकर सीएम सुक्कू का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि पेंशन पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर झूठ फैला रहे हैं। सरकार ने हूबहू ओपीएस को लागू किया है, जिसमें 4,500 एनपीएस से रिटायर कर्मचारियों को ओपीएस के रूप में 50% पेंशन मिल रही है। सरकार का पेंशन कटौती को लेकर कोई भी विचार नहीं है, सरकार कर्मचारियों की हितैषी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से आग्रह है कि वह अफवाह ना फैलाए और जब भी वो ऐसी बात कहें तो अपने पास उसके कागज जरूर रखें, ताकि जनता को भी विश्वास हो, केवल खबरों में रहने के लिए झूठ ना फैलाएं। सीएम सुक्कू ने कहा कि ओपीएस में हमारी सरकार ने कोई कटौती नहीं की है। नेता प्रतिपक्ष झूठ बोलकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल के विकास की गाथा लिखने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को ओपीएस देने का वादा किया है, उसे सरकार ने पूरा किया है। सीएम सुक्कू ने कहा कि उन्हें पता है कि नेता प्रतिपक्ष को बहुत तनाव रहता है और ऐसे में बिना किसी सबूत के झूठ फैलाने का काम वह कर रहे हैं। वह ऐसा ना करे और आराम से इत्मीनान से हर तथ्य की पहले जांच करे, उसके बाद ही वह अपनी बात कहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सत्ता जाती है तो विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाती है। झूठ पर झूठ बोलने की आदत बन जाती है और उसमें इसमें पहले भी जनता को ठगा आपने और अब फिर जनता को ठग रहे। ओपीएस के मामले में कह रहे हैं कि हमारी फाइल चल रही है 40%। मैंने अखबार में भी पढ़ा, आज पता नहीं किस अखबार में था, 30%, 20%। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, मेरे हर शब्दावली में ये शब्द जुड़े हुए हैं, उनको जो ओपीएस देने का वादा किया था वो हमने लागू किया। तकरीबन 4,500 लोग जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पा रहे हैं और ये ओपीएस लागू होने के बाद किया गया है। कोई पेंशन में कोई कटौती नहीं की गई, लेकिन इसी तरह जनता को ठगना है और इस प्रकार की बयानबाजी करनी है और लोगों का ध्यान करना है, सरकार के एक साल के कार्यों से विचलित है, सरकार के कार्यों से विचलित है, इस प्रकार की बात करके इन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इस शब्द को एक्सपंज किया जाए। आंकलों और अफवाहों के अभाव पर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, तो मेरा ये रहेगा कि आप इस चीज को ध्यान में रखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी, कि आप जो बोले कुछ कागज और तथ्य जरूर लाए करें। ये तथ्यों आप जो बोले लोन के मामले में कुछ कागज तथ्य रखेंगे, जनता को भी सुविधा होगी, विपक्ष को भी सुविधा होगी, सत्ता पक्ष को भी सुविधा होगी। ठीक है, तनाव रहता है आपकी कुर्सी पर, तो उस तनाव को थोड़ा आराम से रिलैक्स कीजिए और कोई फैक्ट्स आपके पास नहीं होता और आप ठगने के लिए अलावा और कोई काम आपके पास नहीं।